ये जो दाता है, ये जब से मैं छोटी थी ना, ये जितनी, तब से यहाँ पे पानी पिलाते हैं। और इनका सिग्नेचर पॉइंट है एक बहुत अच्छा सैल्यूट मार। नमस्कार सर, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, मैं भी बढ़िया हूँ। तो लास्ट व्लॉग्स में आपने देख लिया होगा कि मैं जोधपुर जिस पर्पज़ से आई थी, वो दोनों शादियाँ जो हैं वो फाइनली हो गई है कंप्लीट। तो अब जब ससुराल की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी हो जाए, तो उसके बाद बारी आती है मायके की। तो आज आपको दिख रहा होगा चेहरे पर थकान है, लेकिन फिर भी मायके जाने की खुशी है। और मेरी आई तो उससे भी ज़्यादा खुश है। ये थोड़ी सी बीमार है क्योंकि कल इसका वैक्सीनेशन था, तो इसको कितने इंजेक्शन लगे? थ्री। बहुत स्ट्रॉन्ग बच्ची है मेरी, उसने तीन तीन इंजेक्शन खाए हैं। लेकिन उस समय तो रोई नहीं, लेकिन अभी थोड़ी सी उसकी तबीयत लूज़ है, तो मैंने उसको दवाई दे दी है। और मैं जा रही हूँ आज, मेरे मायके के लिए निकल रही हूँ। और मैं जा रही हूँ, मेरे बुआ ससुर जी और बुआ सासू जी जो हैं वो निकल रहे हैं गुजरात के लिए, तो वो मुझे पाली ड्रॉप करते हुए चले जाएंगे। तो बस मैं अभी नाश्ता वाश्ता उनका बना के आई हूँ, पसीना देख सकते हो आप। तो मैंने अभी उनका नाश्ता वाश्ता पटाया है और उनको खाना खिला दिया है, पिला दिया है। और बस अब मैं ऊपर आई हूँ रेडी होने के लिए, तो मैं बस तैयार होंगी और फिर हम निकलेंगे यहाँ से पाली के लिए। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। तो हो गई हूँ मैं रेडी, बस ज़्यादा कुछ नहीं है, नॉर्मल सा पोशाक पहना है और प्यारी सी बैंगल्स पहनी है। और बस अब निकल रहे हैं हम लोग यहाँ से। यहाँ से हम जाएंगे, जो यश जी हैं, जो भुआसा के लड़के हैं, वो अपने ससुराल ठहरे हुए हैं, वो भी जोधपुर में ही रहते हैं, तो उनको वहाँ से पिक करेंगे उनके ससुराल से, और उसके बाद हम लोग निकल जाएंगे अपने पल के। तो फाइनली जोधपुर को किया हमने बाय बाय, और मम्मी पापा को किया टाटा। रास्ते में जा रहे थे तो सोचा कि गौ मैया को थोड़ा सा चारा डाल देते हैं, तो बस थोड़ा बहुत वो किया। और उसके बाद हम निकल रहे थे सीधा यश जी को पिक करने के लिए। तो बस जाते जाते थोड़ा सो रज को देन जा रहा। लगवा दियो। जय गौ माता। तो दीदी जो है वो हमारे अंकलेश्वर रहते हैं बरोड़ा के पास, तो यहाँ से जब जाते हैं जोधपुर से, तो यहाँ की सारी देसी चीजें जो है ना वो लेके ही जाते हैं, क्योंकि ये गाड़ी ही लेके आते हैं ज्यादातर। तो अभी भी ये प्याज लेने के लिए उतरे हैं, क्योंकि राजस्थान का प्याज तो जितना मीठा है उतना और कहीं का नहीं। तो ये यहाँ से ही सारा स्लॉट जो है ना वो पहले से ही मसाले और जो भी यहाँ की देसी चीज़ें हैं वो यहीं से पैक करवा के लेके चले जाते हैं। तो दीदी और फुफुसा भी उतरे हैं प्याज लेने के लिए। पहुँच गए हम लोग यश जी के ससुराल, ये है उनका घर। बस अब उनको यहाँ से पिक करेंगे, उसके बाद यहाँ से निकलेंगे। बस अब चलो भाई। yes! चलो अब है। चलो। सीख ससुराल से सीख। तो यश जी को मिली अपने ससुराल से सीख, और फाइनली ये मैं कर रही हूँ जोधपुर को बाय बाय। इसके बाद हम सीधा पाली के लिए जाने वाले थे, तो रास्ते में पड़ता है रोहित, और मैंने पिछले व्लॉग में आपको बताया था कि वहाँ की कचौरी बहुत फेमस है, तो हम लोग रुक गए बीच में वहाँ की कचौरी लेने के लिए। बाय 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 कर दे सबको, चलो बाय। चलो ये हम लोग पाली, और पाली आया है मेरा छोटा भाई मुझे लेने के लिए, क्योंकि बुआ जी मुझे यहाँ पे ड्रॉप करके आगे गुजरात निकल गए, और अभी वो आ गया है मुझे लेने के लिए। अपने बाहर भाई तो वो और मेरे एक काका जो है वो आए हैं मुझे यहाँ से पिक करने बाईपास पे, और अब हम यहाँ से जा रहे हैं अपने घर। तो वैसे आप लोग जानते हैं कि मेरा मायका पाली है, लेकिन
अभी मैं पाली नहीं जा रही, मैं जा रही हूँ मेरे गांव जो कि पाली से 20 किलोमीटर दूर है, और वहीं पे अभी मेरी मम्मा है, तो मैं वहीं जा रही हूँ। अब मैं क्यों नहीं जा रही हूँ पाली वाले घर पे, इसकी कहानी जो है वो मैं बाद में बताऊंगी आपको। तो अभी चलते हैं माँ के पास। गांव में है मेरी मम्मा, मेरी भाभी, मेरे भतीजे, और गुड्डू अभी आया हुआ है, ये मुझे छोड़ के बस कल निकल जाएगा वापस मुंबई के लिए। और इसके अलावा मेरे काकू सा काकी सा वहीं रहते हैं, तो मैं सब लोगों से मिलवाऊंगी आपको। चलो तो मेरे गांव की तरफ जब जाते हैं तो बीच में है ये एक जगह, ये जो दाता है, ये जब से मैं छोटी थी ना आई जितनी, तब से यहाँ पे पानी पिलाते हैं, और इनका सिग्नेचर पॉइंट है एक बहुत अच्छा सैल्यूट मारते हैं ये जोरदार वाला। तो अब तो बुजुर्ग हो गए, ये बूढ़े हो गए, नहीं तो फिक्स था कि यहाँ आए और एक सैल्यूट ना मारे तो चलता नहीं था। किकन दाता जोरदार, हम नहीं जोरदार। तो बस आ गया अभी गांव, चलो बाय। ठीक मंगवा, तो बस पहुंच गई हूँ मैं अपने गांव, और घर के बाहर मेरे काकू सा लोग बैठे थे, तो सोचा सबको प्रणाम कर लूँ। तो सबको प्रणाम करने के बाद मैं पहुंची अपने घर अपनी मम्मा से मिलने। ये अपने चिल्लर पार्टी ये तू भागे नहीं क्या तूने हैं पर आगे ये अपने चिल्लर पार्टी पीछे आओ रो फाइनली पहुंच गए हम लोग मायके। अब आगे के 10 दिन मिलेंगे यहाँ से आपको ब्लॉग। तो बस घर का रिनोवेशन हुआ है, बहुत सुंदर सा, अरे बहुत जोरदार लग रही हो सच में, बहुत जोरदार लग रहा है। क्या है क्या है क्या क्या जा रही हो भाई? तो ये मेरे काकी साहब प्यारे से छोटे
मैंने बताया था आपको कि गांव में मेरे काकू साहब काकी साहब रहते हैं, तो काकू साहब तो बाहर गए हुए हैं, काकी साहब से मिल लेते हैं, काकू साहब शाम को आएंगे उनसे भी मिल लेंगे। ओ तनु और ये जितने मेरे काकी साहब छोटे से है उतना लंबा चौड़ा मेरा भाई, तो ये तन्मय सिंह राज पुरोहित काकू साहब का लड़का है मेरे। और बस आगे के 10 दिन के बहुत कुछ शुरू करना, ठीक है चलो भाई। पहुंच गई हूँ मैं अब अपने घर, आपको चेयरनेस दिख रही होगी फेस पे, एकदम मायके वाली खुशी। तो मैं आई हूँ मेरे गांव, पाली नहीं गई हूँ मैं, पाली से 20 किलोमीटर दूरी पे है ये। क्यों नहीं गई हूँ पाली ये भी मैं आपको अगले व्लॉग में बताऊंगी। और बस अब मिल गया है मायके का मजा, तो आगे के 7 या 10 दिन शायद मैं यही हूँ और आपको गांव के अपडेट्स मिलते रहेंगे और दिखाऊंगी मैं आपको अपना गांव। तो आज के लिए बस इतना ही, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करना और शेयर करना और कमेंट्स में बताना, और आखिर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मजे ले रहे हैं मेरे। चलो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।